शालिन भनोत की क्लास लगाई सलमान खान ने, तो जनता का क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है उस पर आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घर वालों को और आप सभी को यही इंतजार था कि कब सलमान खान आएंगे वीकेंड के वार में, यानी शुक्रवार के वार में, और बैंड बजाएंगे जो जो जिन्होंने गलत किया। स्पेशली टीना एक्सपेक्ट करी थी कि सलमान खान इस मुद्दे पर बात करे ही करें, क्योंकि ये मेरी डिग्निटी पे आ रहा था। तो इस तरीके से इंतज़ार था लोगों को और वो हो गया है। और बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी, जैसे हमने भी आपको बताया था कि सलमान खान होस्ट नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट ग्रैंड फिनाले में होस्ट करेंगे, उनकी जगह करण जौहर या फिर फराह खान कर सकते हैं। लेकिन भाई, जब से प्रोमो सामने आया तब से जान में जाना है, क्योंकि सलमान खान से बेहतर बैशिंग और क्लास कोई भी नहीं लगा सकता। तो प्रोमो सामने आए हैं जिसमें हमने देखा कि जो सलमान खान है वो कह रहे हैं शालिन को कि एक से निकलती दूसरे से चिपकती है, क्या लाइन है। तो शालिन कहते हैं वो बस एक ही लाइन, तो बोलता है वो एक ही लाइन बहुत है। तो बोलते ये मेरे बारे में इतना बोलती है, मेरी एक्स वाई को के बारे में इतना बोल रही है और इतना बुरा बुरा बोल रही, मैं इतना नहीं ले सकता, ये मेरे रेपुटेशन पे आ रहा है। तो उस तरफ सलमान खान कहते हैं कि आप अपने रेपुटेशन के लिए खुद ही जिम्मेदार हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। जो रेपुटेशन आपका ख़राब हो रहा है, आप होली सोली आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसे सलमान खान कह रहे हैं। अब आगे क्या होता है, किस तरीके से, वो तो भाई हमें पूरा एपिसोड में ही पता चलने वाला। लेकिन आपको बता दूँ इस पर रिएक्शन क्या आ रहा है लोगों का। तो लोगों का कहना है कि सलमान ने किया टीना और प्रियंका को टारगेट। वट यू डू टू पीपल इट कम्स बैक टू यू। शालिन लिटरली वॉन्टेड टू बी एवरी वंस गुड बुक, नाउ एवरी वन गॉट दैट ही कांट स्टे ट्रू हिज वर्ड्स। शालिन को घर से निकालो भाई, शालिन इज साइको प्रूव्ड। कल का एपिसोड अगर आपने देखा ही होगा तो उसमें जिस तरीके से शालिन और बिग बॉस की बात चल रही थी, बाप रे बाप, वो तो एकदम एग्जाजरेट करके ऐसा लग रहा है बना दिया, मुद्दा खत्म हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कुछ बिग बॉस के पास है ही नहीं दिखाने के लिए, तो शालिन और अपने ही कॉन्वर्जेशन निकाले थे। और बिग बॉस ऐसे घुटने टेक लिए थे शालिन के सामने, ये देख के थोड़ा सरप्राइजिंग था। बिग बॉस से सब डरते हैं, लेकिन यहाँ बिग बॉस कल थोड़ा मुझे डरते हुए नजर आए। फिर एक का कहना है कि बीबी एक्सपोज्ड बाय शालिन कल का जो था, कि उस पर कि क्या क्या सबके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मुझे सब पता है, किसकी क्या MGA सब पता है मुझे। फिर शालिन को बाहर निकालो, नौटंकी। फिर शालिन के पास से एक अच्छी दोस्त थी सुम्बुल, जिसको उसने खो दिया। तो इस तरीके से लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। आप इस बैशिंग को किस तरीके से ले रहे हैं, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा पूछ।